10 से 12 लाख लोग मरने वाले हैं। प्रत्येक 1000 लोगों में 648 लोग होंगे संक्रमित। पूरे जनसंख्या का 1/3 हिस्सा मिटने वाला है। रस्ते होने वाले हैं फिर से सुनसान। ना ही मैं आपको डरा रहा हूँ, ना ही ये कोई काल्पनिक बातें हैं। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। यूट्यूब पे ओडिया एवं हिंदी में अनेकों भविष्य मालिका का प्रचार करने वालों ने दावा किया था कि अब कोविड वापस नहीं आने वाला। तब मैंने साफ साफ शब्दों में कहा था, कोविड गायब नहीं हुआ है, फिर से आएगा और ज्यादा भयंकर एवं खतरनाक रूप लेकर। 600 सालों पुराने भविष्य मालिका में वर्णित तथ्यों को आधार करके अपनी बातें रखी थी। पूरे चीन में मृत्यु का आतंक फैल चुका है। मात्र एक ही सप्ताह में 50,000 के करीब हो चुकी है मृत्यु। शमशान में सबों के लिए जगह नहीं बचा। अगले 3 दिन तक बुकिंग फुल है। जो भी सबों को लेके जाता है वो भी कुछ ही घंटों बाद कोविड से मर जाता है। हॉस्पिटल में जगह नहीं बची। डॉक्टर नर्स खुद कोविड से मर रहे हैं। रास्ते सुनसान पड़े हैं। ये सब इसीलिए क्योंकि चीन में फिर से आरंभ हो चुका है एक नए तरीके का कोविड महामारी। मात्र कुछ ही घंटों में हो रही है अकाल मृत्यु। अमरीकी संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्यूएशन के अनुसार अप्रैल 2023 तक चीन का 1/3 हिस्सा साफ हो चुका होगा। पिछली बार की तरह इस बार गलत फहमी में मत रहना कि ये सिर्फ चीन तक सीमित रहेगा, क्योंकि IHME ने साफ कर दिया है कि भाई साहब अप्रैल 2023 तक चीन से ये वायरस अन्य देशों में फैल चुका होगा। ऊपर बैठे भगवान भी कह रहे होंगे, बच के कहां जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। भले ही ये एक छोटी सी बात है, परंतु मेरे लिए आपका प्रेम ही सब कुछ है। भारत में अधिकांश लोगों ने वैक्सीन ले रखी है, पर आपको ये पता होना चाहिए, वैक्सीन परमानेंट इलाज नहीं है, बल्कि वैक्सीन एक सीमित समय तक ही हमारी रक्षा करता है। इसीलिए तो पहला डोज आया, फिर दूसरा डोज आया, फिर बूस्टर डोज आया। मेरा सबसे अनुरोध है, अभी से सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। अपने परिवार दोस्तों को भी सतर्क करें। महाप्रभु जगन्नाथ सभी को सुरक्षित रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।